न्यू ईयर पर एक फिल्म आ रही है, नाम है राम प्रसाद की तेरवी। कल ही इसका ट्रेलर भी आया। जितना हटके फिल्म का नाम है वैसा ही कुछ ट्रेलर भी है। इसी पर बात करेंगे, बताएंगे आपको ट्रेलर कैसा है, फिल्म में कौन कौन है और इसे बनाया किसने है। एक एक कर शुरू करते हैं, आइए जानते हैं क्या है ट्रेलर में। शुरू होती है एक घर से। हाल ही में किसी की डेथ हुई है, घर के लोग क्रियाकर्म की तैयारी में लगे हैं। तभी एक औरत का वॉइस ओवर शुरू होता है। मरने वाले शायद इनके पति थे। बताती हैं कि रात तक ठीक थे, अचानक चले गए। फिर एंट्री होती है इनके 6 बच्चों की। इनका एटीट्यूड ऐसा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। क्रियाकर्म के लिए लकड़ी लेने गए पर मोल भाव में फंस गए। अपने बाबूजी की पूजा में सेल्फी सेशन शुरू कर दिया। ये देखकर माँ अपसेट होती हैं, कहती हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी ब्याह जश्न की बात हो। ऐसे और भी मोमेंट्स हैं जहाँ परिवार है एक छत के नीचे पर उनके बीच की दूरियां उभर कर दिख रही हैं। इनकी माँ अपने पति को सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहती हैं। ऐसा कैसे कर पाएंगी, यही आगे की कहानी है। ट्रेलर एकदम सिंपल है, ज्यादा बनावटी बनाने की कोशिश नहीं की गई है, जैसा है वैसा दिखाया है। कहानी मिडिल क्लास फैमिली की है। इस मामले में कमाल की डिटेलिंग की है, चाहे पहनना ओढ़ना हो या फिर घरों में चलने वाली नोकझोंक, सब पर नपातोला काम हुआ है। फिल्म में एक अलग किस्म का ह्यूमर भी है। जैसे पिता की डेथ हुई, तेरहवीं का दिन पड़ रहा है नए साल पर। एक का सवाल आता है कि लोग नए साल पर जश्न मनाएंगे, उनके नए साल की शुरुआत तेरहवीं से करेंगे क्या। ऐसे और भी सीन्स हैं, पहली बार देखने पर हंसी आएगी पर थोड़ा सोचेंगे तो गुजरने वाले के लिए अफसोस भी होगा। इस फिल्म की कास्ट लंबी है और उतनी ही दमदार भी है। पिता बने हैं नसीरुद्दीन शाह और माँ का रोल किया है सुप्रिया पाठक ने। इनके अलावा कोंकणा सेन शर्मा, विनय पाठक, मनोज पावा, विक्रांत मैसी, ब्रजेंद्र और विनीत कुमार भी फिल्म का हिस्सा है। फिल्म बनाई है सीमा पावा ने, उन्होंने ही लिखी और डायरेक्ट की है। बाला, बरेली की बर्फी, आंखों देखी जैसी फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर चुकी हैं। इंडिया के पहले सोप ओपेरा हम लोग का हिस्सा भी थी। डायरेक्शन की पारी की शुरुआत इस फिल्म से कर रही हैं। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। कैसे हम वायरसेस की रिसर्च और स्टडी को इंडिया में बेहतर बना सकते हैं। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।